रामनगरी अयोध्या में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण कार्य स्थल को देखा, राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत दूसरी पाली में दोपहर 4 बजे से करीब राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उनके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा मौजूद थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण कार्यस्थल को देखा, किस तरीके से निर्माण चल रहा है उसको देखा। लायंस एंड ट्रूबो के इंजीनियर ने उनको बताया कि किस तरीके से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भगवान के दर्शन किए, निर्माण देखा और प्रस्थान करके यहाँ से जी। मंदिर निर्माण को लेकर क्या उन्हें कोई राय दी है? नहीं नहीं, कुछ उन्होंने दर्शन देखा कैसे निर्माण चल रहा है। एलएनटी ने उनको बताया किस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है। बस ये यहाँ आने पर जो व्यक्ति आता है उसकी लालसा रहती है निर्माण कैसा हो रहा है, वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा, चल के गए। वो लखनऊ उनको जाना था करके देखते हुए क्या आपको मतलब क्या बारीकियां और भी कुछ बताएं कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए? वो तो जानकारी करने के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने जानकारी किया, एलएनटी के लोगों ने उनको ब्रीफिंग किया किस प्रकार से काम चल रहा है। और प्रोग्राम का बहुत हो सकता है अब तो भगवान अयोध्या में तो कहा गया है सदा रहो पूरा आवत जाहू। सर किस प्रकार की तैयारियां अंदर चल रही हैं मंदिर निर्माण में? मंदिर निर्माण में राफ्ट के निर्माण का काम प्रगति पर है। 8 ब्लॉक्स उसके प्लिंथ उसके निर्माण के हो गए हैं राफ्ट के, और आज भी उसका आगे का काम निर्माण का चल रहा है। बहुत जल्दी मुझे लगता है 15 नवंबर तक राफ्ट के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे काम चलेगा। सर अंदर क्या कुछ संतों से भी मुलाकात की है? भगवान से दर्शन करने के बाद वो उन्होंने जो काम का कैसा चल रहा है उन्होंने समझा है बूझा है।